गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका संगीता नया चैनल पर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हो चुकी है मॉर्निंग और चलिए दिन की शुरुआत करते हैं अपनी। बने रहिएगा व्लॉग में। सबसे पहले कर लेते हैं ब्रश। और ये मेरा जो सिंक है ये आउटर में है, मतलब कि ओपन एरिया में है। सो मैं यहाँ पर टहल टहल के ब्रश करती हूँ, रोज़ का मेरा ये रूटीन है। फ्रेश एयर भी मिल जाती है बाहर। और आज थोड़ा सा दिन अच्छा है, मतलब थोड़ा सा साइनी डे है सुबह से ही। कोहरा है तो, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा लग रहा है कि आज धूप निकलेगी अच्छी खासी। मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ अपने टीथ को ब्रशेस, फेस वॉश कर लेती हूँ जल्दी से। मेरा पहले डेली का रूटीन है ये। के बाद चलते हैं हम किचन के अंदर। सबसे पहले अपना गैस चूल्हा सेट कर लेते हैं और लेते हैं पानी, क्योंकि सुबह मेरा रूटीन है गर्म पानी पीने का ठंड में, तो गर्म कर लेते हैं पानी। और इधर मैं ग्रेट कर लेती हूँ अपनी अदरक चाय के लिए। सबसे पहले पानी पीने के बाद मेरी चाय से शुरुआत होती है दिन की। वही रोज़ के मेरे गिने चुने से बर्तन। और एक तरफ चढ़ा देती हूँ मैं अपनी चाय, चीनी डाल देती हूँ, चाय पत्ती डाल देती हूँ और एक स्पून डाल देती हूँ, ताकि जो है अगर चाय बॉयल हो तो बाहर ना आए। और ले लेती हूँ अपने लिए गर्म पानी और पीती हूँ मैं सिप सिप करके इसको बैठ के। बाहर ही हमारे तख्त पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मैं पानी पी रही हूँ। फिर से चलते हैं किचन के अंदर और फिल कर लेते हैं अपनी वाटर बॉटल्स, क्योंकि मैंने पानी जब गर्म किया ही है तो दोनों की बॉटल भर लेती हूँ, अपनी और अनाया की भी। ठंड की वजह से ये धुआं ना ज़्यादा दिख रहा है, लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हॉट वाटर है, जबकि ऐसा नहीं है, ल्यूकोम है, गुनगुना पानी है ये। अनाया की बॉटल में थोड़ा सा पानी और मैं ऐड करूँगी, पानी है थोड़ा कम। और इधर मैंने निकाली है अपनी भिंडियाँ। रात में ही डिसाइड कर लेती हूँ मैं कि मॉर्निंग में क्या बनाना है। वैसे भी अनाया को तो बस मॉर्निंग में बस भिंडी आलू यही चाहिए होता है, तो सुबह बहुत जल्दी रहती है भाई। तो कट कर ली है मैंने भिंडी। और इधर मैं ग्रीन चिली भी, रेड चिली मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो ग्रीन चिली भी कट कर लेती हूँ मैं। और अनियन भी कट कर लेते हैं, चॉप कर लेते हैं छोटा छोटा सा। सुबह मैं इसीलिए अब सिंपल व्लॉग्स बनाती हूँ और एडिटिंग करती हूँ बाद में, क्योंकि बोलते हुए जो मैं व्लॉग्स बनाती थी पहले के ना, उसमें बहुत टाइम लगता था। और इधर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ लोहे की और गर्म हो गया है तेल। छौंक दी है मैंने भिंडी, प्याज और ग्रीन चिली से, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर और हल्दी, इतना मैं डालती हूँ। बहुत लोग हल्दी स्किप करते भिंडी में, लेकिन मैं डालती हूँ। उधर खोल गई है मेरी चाय, छान लेते हैं अपनी चाय को। सुबह की चाय सुकून भरी नहीं होती है भाई। और ऑलमोस्ट मेरी भिंडी इधर पक चुकी है। चलिए जगाते हैं अनाया को। अनाया को रात में थोड़ा सा फीवर था, तो मैंने कहा था देखते हैं स्कूल जाएंगे कि नहीं ये, लेकिन मॉर्निंग में बोली है ठीक है मम्मा चली जाऊँगी। इधर मैं चाय पी रही हूँ, सुबह लगी है अनाया के मन की टीवी, क्योंकि जब अनाया उठती है तो मॉर्निंग की शुरुआत थोड़ा सा, मतलब पाँच मिनट से लेस ही वो टीवी देखती हैं, उसके बाद वो उठती हैं। तो मैं चली किचन में, क्योंकि मैं चढ़ा आई थी सब्जी, तो देखते हैं जल तो नहीं गई। नहीं जली है, ऑलमोस्ट पक चुकी है सब्जी हमारी। इधर मैंने निकाल ली है ब्रेड स्लाइसेस फ्रिज से और कट कर लेती हूँ इनको मैं और लगा लेती हूँ जैम। अनाया को मोस्टली जैम ब्रेड चाहिए होता है, और इसको मैं सिंगल नहीं देती हूँ, मतलब ये नहीं कि इसको केवल यही देती हूँ, इसके साथ में फ्रूट या फिर ड्राई फ्रूट साथ में देती हूँ। आप लोग ये मत सोचिएगा कि वो सिर्फ जैम ब्रेड खाती है, हेल्दी नहीं होता, उसकी आदत है। मैं छुड़ाना चाहती हूँ डेली की ब्रेड खाने का, लेकिन वो उसकी आदत नहीं छूट रही है, टाइम लगता है कुछ चीज़ों में। लेकिन इसके साथ में उसे ड्राई फ्रूट से फ्रूट का कॉम्बिनेशन बना के देती हूँ, तो इस तरीके से उसको नुकसान भी नहीं करता है। और फिर से लाइट अप कर लेते हैं गैस अपनी और चढ़ा देते हैं तवा और बना लेते हैं जल्दी जल्दी से गोल गोल सी रोटियां। तवा गर्म हो चुका है और
बस गोल गोल से एकदम रोटी हमारी बन चुकी है। ये देखिए, बस डालते हैं इसको हम तवे पर, पलटते हुए रोटी अपनी सेक लेती हूँ मैं। वैसे तो डेली की रूटीन है सबको, लेकिन ये कैप्चर करना तो भाई बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो सब कह रहे होंगे तो कौन सा बड़ा काम है, लेकिन भाई जब आप कैप्चर करोगे ना एक एक मोमेंट को और एडिटिंग करोगे, तब पता चलता है कि ये जो दिख रहा है इसको दिखाना व्लॉग के थ्रू आप लोगों को कितना मुश्किल होता है। और इधर रोटियाँ हमारी पक चुकी हैं और टिफ़िन पैक कर लेते हैं अनाया का। सब्जी मैं हमेशा ठंडी करके ही पैक करती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक में आप गर्म सब्जी मत रखें, आप लोग भी नुकसान करता है। और इधर दो रोटियाँ अनाया की पैक कर दी हैं मैंने। अनाया भी आ चुकी हैं ब्रश करने। गुड मॉर्निंग बुआ। आज बुआ हमारी सुबह सुबह दर्शन दे दी है। आज जब सुबह हमारे पास टाइम नहीं रहता तब आप बुआ का बात करने का मन है ना। हम चले अपने काम से। मैं चली किचन से रूम में अनाया का लंच बॉक्स और वाटर बॉटल लेकर। मैं नहाने जा रही थी तभी मुझे पता चला कि हमारे जो गैस सिलेंडर है ना गीजर का, वो ख़त्म हो चुका है। तो मैंने लगाया दूसरा नया सिलेंडर। ये काम फिनिश हो चुकी है, मैं चली शावर लेने। मैं आ चुकी हूँ शावर लेकर के। और इधर अनाया का फ्रूट लंच मैंने नहीं रखा था, क्योंकि अनाया अभी बता नहीं रही थी कि बनाना ले जाएंगी क्या ले जाएंगी। तो फाइनली अनाया ने बोला कि मुझे ग्रैब्स चाहिए, तो मैंने पैक कर दी हैं और बैग पैक कर देते हैं बाबू का। तीनों चीज़ें मस्त होती हैं भाई, वरना अगर मैं भूल गई तो दिन भर मुझे मलाल रहता है इस चीज़ का। और इधर बारी आ गई अनाया को तैयार करने की। तो ये जो अंदर कपड़े पहने हुए हैं ना, ये सारे अनाया ने पहले ही से ही पहन रखा था। आज भाई हमें हैप्पी कर दिया अनाया ने। मैं तो शावर ले चुकी थी, आज मैंने हेयर वॉश भी किया था अपना। बस अब अनाया की हेयर कॉम कर रहे हैं। इधर अनाया मेरे से थोड़ी थोड़ी बातें करती जा रही, वो नहीं बातें करती जा रही, मैं ही सुना रही हूँ कि कपड़े पहनने की आदत डालें आप सारे बच्चे, पहनना पहन लेते हैं इतने बड़े बच्चे। तो इधर आई कार्ड पहन लिया है अनाया ने, और अब पहननी है अनाया अपना जैकेट। ठंड है अभी बहुत है, ठंड थोड़ी बहुत नहीं है, और बच्चों के लिए तो है ही खैर। अभी अनाया क्रीम अपने आप तो लगा ही ली थी, मगर मैं माँ हूँ तो मुझे कहाँ तसल्ली। तो मैंने फिर से अनाया को लगाया क्रीम। और ये देखिए मैम की तानाशाही कहेंगी, राजाशाही कहेंगी, क्या कहेंगे। देखिए अनाया को जो है पहनाया मैंने सॉक्स। सबसे अच्छा बचपन ही होता है भाई, आपको अपनी फिक्र हो या ना हो, माँ को तो हमेशा ही रहती है। और अनाया की निगाहें टिकी हुई बस सिर्फ और सिर्फ टीवी पे। मैं ना आपको बता रही हूँ कि इनर के अंदर सॉक्स जो है आप अपना दबा लिया करें, ताकि इनर ऊपर नहीं चढ़ेगा। यही सब सीख देते हुए मैं उसको कपड़े पहना चुकी हूँ। और इधर मैंने उनके मुंह में डाला है आलमंड्स और पिस्ता, क्योंकि ना ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहती, मगर मैंने अब हैबिट डाल दी है इनकी। बस मैडम आराम फरमा रही हूँ। और इधर मैं गीली टॉवल लेके बाहर गई, कि मैंने कहा रस्सी पे डाल दूँ नहीं तो भूल जाऊँगी, टाइम बिल्कुल नहीं रहता है। तो मैं इधर जल्दी जल्दी से तैयार हो जा रही हूँ, लगाती हूँ अपनी फेवरेट हमें। और ये कैप गिर गई क्रीम की, तो जल्दी जल्दी में होता है ऐसा। तो ये रही मेरी फेवरेट फेयर लवली, अप्लाई कर ली है मैंने अपने चेहरे पे जल्दी से। और ये बिंदी मेरी रेड कलर की, मुझे रेड बिंदी ये कलर नहीं पसंद, तो मैंने इस पे जो लगा लिया लिपस्टिक को, इसको बना लिया मेहरून। ये कुछ ट्रिप्स हैं, मैं यही करती हूँ। और इधर लगाया सिंदूर मैंने, सिंदूर प्रसाद में मुझे मिला था, तो मैंने कहा चलिए यूज़ कर लेते हैं जो भी चीज़ें मिलती हैं। तो लगाई लिपस्टिक जल्दी जल्दी से, बस रेडी हूँ मैं। और अनाया को रात में थोड़ा सा फीवर था, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा इनको दवा भी पिला देते हैं। आप सोच रहे मैंने ऐसे ही पिला दिया, माँ हूँ भाई, मुझे आइडिया हो गया है कि 10 ml कितना होता है। दवा पिलाने के बाद में मैं भी हूँ रेडी, पहन लेती हूँ अपनी जैकेट, क्योंकि मेरा भी ऑटो आने वाला है। अनाया का मेरा टाइम ऑलमोस्ट सेम है स्कूल का। बस अनाया को बाय बाय करते हुए जल्दी से बिठाते हैं अनाया को गाड़ी में। बस निकलनी है अनाया और मैं वापस अपने रूम की तरफ, जस्ट फाइनल निकलने के लिए। और रूम है बहुत मैसी, सुबह मेरे पास टाइम नहीं बचा है, तो मैं नहीं अरेंज कर पाऊँगी इसको, और अरेंज करूँगी लौट करके। मैं निकल ली अपने स्कूल के लिए, साथ में हूँ मेरी मैम, मैं और मैम साथ में जाते हैं। और सुबह रश भी बहुत रहता है भाई, टीचर हैं बच्चे हैं सभी जाते हैं एक साथ में। ठंड तो है अच्छी खासी है, और ई रिक्शे में तो भाई ठंड लगती है, बिल्कुल ओपन रहता है। तो बाल भी मेरे गीले थे, मैंने ऊनी नहीं बांधी थी।
भी पहुंच गए हैं हम अपने स्कूल। हो गई है छुट्टी और मैं जाऊंगी अपनी फ्रेंड के संग स्कूटी से, निषाद के संग। तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे, उसका स्कूल है तो उसके साथ में मैं आज निकलूंगी निषाद के साथ। आ गई है मेरी फ्रेंड निषाद और साथ में है मंजू, ये दोनों सेम स्कूल में है। ये मेरी फ्रेंड निषाद, हाँ, और हाँ बोल रही मंजू। हम लोग की होने जा रही है अच्छी सी राइडिंग। जाए दीदी, बाय बाय। हम लोग के रास्ते में भी स्कूल की बातें हो रही है कि क्या निपटा के आए, क्या करके आए। निषाद ने मुझे ड्रॉप कर दिया था, उसके बाद में यहाँ से मेरी बेटी मुझे लेने आई है। ये मेरी बाबू आ गई है क्योंकि मेरे और नाना के स्कूल का टाइम लगभग सेम है, तो निषाद ने मुझे छोड़ दिया था और बाबू मुझे लेने आई है। मेरा बाबू, क्यूट सा मेरा बच्चा ये। सो निषाद ने मुझे छोड़ दिया था और मैं आ गई हूँ बाबू के पास। बाबू आया मेरे पास लेने। यस, हाउ इट वाज इट बेटा, क्या हुआ क्या हुआ? चले पहुंचते हैं घर। आ चुका हस्बैंड का भी फोन, केयरिंग हस्बैंड। छुट्टी होते ही फोन आता है मेरे लिए और बाबू के लिए। मैं आ चुकी हूँ घर, स्कूटी पे मेरे बाल इतने उलझ गए हैं। थैंक यू निषाद, निषाद के साथ आई हूँ आज, मजे लेते हैं स्कूटी के। और ये रहा बाबू और वो रहा मेरा बिस्तर। मैं बताऊँ आपको, सुबह में जल्दी में थी, मैं नहीं मैनेज कर पाई रूम को मैनेज करूंगी अब। बाबू हो गया बेदम, बाबू को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, है ना बाबू? कुछ नहीं अच्छा लग रहा है क्या? कुछ नहीं अच्छा लग रहा। आज दवा लेने जाएंगे हम लोग, है ना? चलो आ जाओ, चेंज करने कपड़े वगैरह। उनको कुछ खाना पीना नहीं अच्छा लग रहा, आज इन्हें दिखा के लाएंगे दवा। चले चेंज वेंज करके करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह और बनाते हैं। अच्छा, तो सुबह जो छोड़ के मैं गई थी ना अपने काम, उन्हें करना तो मुझे खुद ही है, तो अनाया इधर लेके बैठ गई सोफे के पास में, बिस्किट ये देखिए। और मैं लग गई हूँ अपने काम में, छोटा ब्लैंकेट, उसके बाद में हल्का ब्लैंकेट, और उसके बाद में हमारी क्विल्ट, ये सारी चीज़ें मैं जो है तहाँ के एक जगह पे रख देती हूँ। भाई मैं उड़ती हूँ तो मैं ही तो रखूँगी ना। सुबह मेरे पास टाइम नहीं था, अभी बहुत हड़बड़ तड़बड़ होती है, तो इन सबको मैं एक साथ में रख देती हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं एक ही रूम में सारा कुछ रखती हूँ, अरे यहीं से उठाया यहीं से उड़ लूँगी अभी, क्योंकि इसके बाद में इस रूम में तो बैठने वाली नहीं। भाई मेरे पास किचन में बहुत सारे काम इंतज़ार कर रहे हैं भाई, तो अनाया बैठेंगी अभी, नया आया ट्यूशन पढ़ेंगी, मुझे तो जाना होगा किचन में ही थोड़ी देर बाद। ये मेरा बस थोड़ी देर का आराम का टाइम होता है जब तक इनकी मैम नहीं। अब सुंदर हो गया ना कमरा देखिए। सो अनाया का बैग भी खाली करना है, लंच बॉक्स निकालना है, वाटर बॉटल निकालनी है। देखिए लगता तो है कि हम औरतों के पास काम नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे काम गिने जाए ना तो बहुत होते हैं ये काम। तो अनाया भी यहाँ इंतज़ार आराम करेंगी। मैंने कहा फेस वॉश कर लिया, क्रीम तो लगा लो भाई, तो अनाया लगा रही क्रीम और लगा लिए। फिर अनाया ने टी वी और मैं बना के ले आई हूँ चाय, और इधर मैं ढूंढ रही हूँ अपने खाने के लिए जो मुझे चाहिए, वो शायद यहाँ नहीं है, तो अभी मैं जाऊँगी फिर किचन में। यस, मैं चली किचन की तरफ और मिल गए मेरे नमक पारे, क्योंकि मुझे यही खाना था। बड़ी टाइट नॉट है यार, खुल ही नहीं रही है। फाइनली मुझे लगा मैं फाड़ी दूँ पन्नी को, लेकिन नहीं, खुल गया। और ये मेरे नमक पारे जिन्हें मैं खाऊँगी। लौट के आओ ना तो मन करता है कि भाई कुछ मिल जाए बस, तो आराम से। अब मेरे हाथ में टीवी, क्योंकि अनाया गई है वॉशरूम, सॉरी टीवी नहीं है, मेरे हाथ में है रिमोट, तो मैं चाय के साथ साथ ले रही हूँ थोड़ी देर का मज़ा, क्योंकि थोड़ी देर का ही मज़ा है, क्योंकि अनाया के आते ही रिमोट जाने वाला है अनाया के हाथ में। खैर अनाया भी बहुत टीवी नहीं देख पाती क्योंकि उसके बाद वो ट्यूशन पढ़ेंगी, ट्यूशन पढ़ने के बाद में उन्हें ट्यूशन का वर्क करना होता है, तो टीवी तो वो भी नहीं देख पाती है ज़्यादा देर के लिए। फिलहाल मुझे मिला है थोड़ी देर के लिए, तो मैं देख रही हूँ और चाय पीती जा रही हूँ। सो आ चुकी है मेरी छुटकी आनी, कल छुटकी नहीं आई थी, अभी हम जा रहे ढेर सारा काम समेटने। जी हाँ, कपड़े भी लगवाने हैं और कुछ किचन भी क्लीन करना है, तो वो सब करने जा रही हूँ मैं।
और ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड अप। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, लाइक वाइज, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। यस से बाय बाय।